मध्य प्रदेश के मुरैना से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक 8 साल का बच्चा अपने 2 साल के भाई के शव को गोद में लिए बैठा दिखा, जबकि बच्चों के पिता पूजा राम जाटव अपने बेटे के शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की खोज में जुटे थे। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो गमगीन हो गया। वहीं नन्हे से बच्चे को शव के साथ सड़क किनारे बैठा देख लोगों ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को दी, जिसके बाद उसके लिए एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। दरअसल यह घटना मुरैना जिले के अम्बा के बड़फरा गांव की है। बड़फरा गांव के निवासी पूजा राम जाटव के 2 साल के बेटे राजा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद परिवार वालों ने उसका घर पर ही इलाज शुरू कर दिया, लेकिन जब बच्चे की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उसको मुरैना जिला अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान पूजा राम के साथ उसका बड़ा बेटा 8 वर्षीय गुलशन भी था। राजा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूजा राम ने हॉस्पिटल के अधिकारियों से बच्चे के शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस पर पूजा राम किसी वाहन की व्यवस्था करने हॉस्पिटल से बाहर चला गया और उसका बड़ा बेटा अपने छोटे भाई के शव को गोद में लेकर सड़क पर बैठ गया। लोगों ने जब इस मार्मिक दृश्य को देखा तो उनका भी दिल बैठ गया। जब इस बारे में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह से मीडिया ने जवाब मांगा तो वो भागते नजर आए। इस मामले में किरकिरी होने के बाद सरकार ने जांच के आदेश देने के साथ साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी पहुंचाई है। स्थिति ऐसी नहीं है, वो जब आया था देहात से उसी समय वो गंभीर स्थिति में था। डॉक्टरों ने जब मृत घोषित किया तो वो फादर उस बच्चे को सौंप के किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया था, लेकिन फिर भी सरकार ने उसे गंभीर माना है। सीओ जिला पंचायत को जांच के आदेश दिए, शाम तक जांच आ जाएगी। सिविल सर्जन को शोकाज नोटिस भी दे दिया गया है, उसको रेड क्रॉस से 10,000 रुपये, संबल योजना का जो पैसा मिलता था वो भी दे दिया गया है, और एक राशि और है वो संकटा राशि की आती है, उसका पैसा भी दिया जा रहा है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।